वेरी गुड, नाउ क्लैप फॉर एमी, क्लैप फॉर एमी पास, सब बच्चे क्लैप करिए, आई आल्सो क्लैप फॉर एमी, वेरी गुड। ओके नाउ इट्स टर्न टू श्रेयांश, अब आपका टर्न है, इट्स योर सरप्राइज टेस्ट बच्चों, जो आपको लास्ट टाइम मैम ने स्टडी कराया उसका छोटा सा रिवीजन है ये। ओके नाउ टेल मी श्रेयांश, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, कैन यू टेल मी द नेम, क्या आप बताएंगे नाम, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर श्रेयांश एवरीबॉडी, क्लैप फॉर श्रेयांश। ओके इट्स टर्न टू साची, साची इट्स योर टर्न, वेट कलश आपका टर्न आएगा। साची नाउ टेल मी, आप मुझे दो सार्थक शब्द बताइए, कोई भी दो सार्थक शब्द जो आपको पता हो आप बताएं। कैन यू रिपीट अगेन, मेरा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, कलश यू टेल, कलश। यस मैम। नाउ टेल मी, दो सार्थक शब्द बताएं आप मुझे। सार्थक यस है ना, दो नहीं बोलेंगे, ओनली कलश का टर्न है, कलश मुझे आंसर देगा। कलश रिपीट अगेन, फिर से बोलो बच्चे। पंखा जी, कूलर पंखा कूलर, ओके ओजस साहू मैम, ओजस नाउ यू दो सार्थक शब्द बताइए। यस मैम। मैम सार्थक शब्द, मैम सार्थक शब्द, मैम मोर और संतरा। नहीं कोई नहीं बताएगा, जिसका मैम नेम बोलेंगी बस वो मुझे बताएगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ओके नाउ इट्स रितिका टर्न, रितिका इट्स योर टर्न, रितिका साची विल यू प्लीज कीप क्वाइट। रितिका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 18, रितिका। यस मैम। निरार्थक शब्द, एनी टू निरार्थक शब्द, कोई भी दो निरार्थक शब्द आप बताएं। गुलाब गुलाब, गुलाब गुलाब, गुलाब तो सार्थक है, मुझे निरार्थक शब्द बताइए जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक को ऐड मत करो उसमें, खाली आपको निरार्थक शब्द बताना है, अर्थ नहीं होता है। जैसे टीवी वीवी, मम्मा बता रही है ना रितिका, नहीं मैं मम्मा तो कर रही है। अच्छा ओके नाउ इट्स टर्न टू श्रुति, श्रुति कैन यू हियर मी, श्रुति आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, श्रुति वे आर यू, श्रुति टेल मी टू निरार्थक शब्द, दो निरार्थक शब्द बताएं। कलश वे मैम, कुछ बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया है, आई रिपीट अगेन, चैप्टर नंबर 3 इन हिंदी लैंग्वेज, व्याकरण की बुक का चैप्टर नंबर 3, लास्ट वीक आपने उसको स्टडी किया था, एंड नव्या चौधरी ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, नव्या इट्स चैप्टर नंबर 3 इन हिंदी व्याकरण, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। ओके आराध्या झा, आराध्या झा माइक अनम्यूट करें आप, श्रुति आप रहने दें अभी दो मिनट के लिए, आराध्या आवाज आ रही है बेटा, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, वाक्य, वेरी गुड, क्लैप फॉर आराध्या झा, वेरी गुड एवरीबॉडी क्लैप, क्या हुआ श्रुति क्लैप नहीं करनी आराध्या के लिए, चलिए नाउ लिसन, कम बैक पेज नंबर 19, आप पेज नंबर 19 पे सारे बच्चे आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 19 पे सारे बच्चे आ जाओ और अपना पेंसिल भी ले लीजिए,
टेक आउट योर पेंसिल एंड चैप्टर नंबर थर्ड पेज नंबर 19. पेज नंबर पे ओके आप सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 19. आई शो यू. अर्पिता आपके पास बुक नहीं है बेटा, इसलिए मैं आपके लिए शो कर रही हूँ. Yes. आप मेरी बुक से स्टडी करो और जल्दी से बुक परचेज करो. ओके जिससे आपकी लॉस नहीं होगी स्टडी. यस मैम. देखिए बस. ओके बेटा ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. इससे पहले मैंने आपको रिवाइज करवाया था ओरली. आज मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी. ओके नाउ इज इट क्लियर सबको? आई थिंक क्लियर है. अभी कोई बच्चा नहीं बोलेगा. मैम एक्सप्लेन कर रही है और ऑलरेडी मैम पहले वाले टर्न पे एक्सप्लेन कर चुकी है. ओके वर्णों के सही मेल से बनते हैं. क्या बनते हैं? शब्द. यस शब्द पर टिक करिए. शब्द पर टिक करिए. चलिए मैं वन बाय वन करके सबसे पूछूंगी. डोंट रेज योर हैंड. आप अपने हाथ मत उठाइए. मैं वन बाय वन करके सबसे पूछ लूंगी. ओके कलश वेट अ फ्यू मिनट. डोंट रेज योर हैंड बेटा. चलिए आई नो सबने स्टडी करी है. क्वेश्चन नंबर पूछा था. अरे बेटा मैं सबसे पूछ रही हूँ डोंट वरी. अच्छा चलिए मैं सबसे वन बाय वन करके पूछती हूँ. वीर सिंह इट्स योर टर्न. अपना माइक अनम्यूट करो वीर और मुझे क्वेश्चन नंबर टू. खाली वीर को बोला है मैंने. ओनली वीर. वीर कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर सेकेंड? चलिए रीड करिए अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके बनते बिल्कुल ठीक से नहीं स्टडी हुई है शब्दों के. मैं रीड कर रही हूँ आप आंसर दे दीजिएगा. शब्दों के सही मेल से बनते हैं. अगर शब्दों का सही मेल हो बताइए. शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? मैं वाक्य. यस वेरी गुड. टिक करिए वाक्य में. इट्स योर क्लास वर्क बेटा. टुडे इज योर क्लास वर्क. वाक्य पर टिक करिए. जिन बच्चों का वर्क इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करिए आप. अर्थ के आधार पर आई गो क्वेश्चन. यस वेरी गुड श्रेयांश. क्वेश्चन नंबर थर्ड. अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है. अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 4, 3, 2 बताइए कितने भेद होते हैं शब्द के आधार पर? सॉरी अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो. वेरी गुड. दो होते हैं. वेरी गुड. माफ करिए दो में. मैम दो. वेरी गुड अर्पिता. वेरी गुड अर्पिता. वेरी गुड. आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे से आंसरिंग कर रहे हो. अब आप सोच लो अगर बुक होती तो और अच्छे से आप स्टडी कर लेते हैं ना बेटा. जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता. लिसन. जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? सार्थक शब्द. वेरी गुड बच्चों. वेरी गुड. वेल डन. चलिए मार्क करिए निरार्थक शब्द पर. ओके नाउ गो बैक क्वेश्चन नंबर ख. खा पर वापस जाएंगे. सत्य कथन पर टिक मतलब राइट का निशान तथा असत्य पर क्रॉस रॉन्ग का निशान लगाना. ठीक है रीड करेंगे शब्द. वीर आप स्पेशली रीड किया करो मैम के साथ. आपकी हिंदी रीडिंग अच्छी नहीं है. अच्छा इनकी भी अच्छी नहीं. इवन सबको रीडिंग करनी चाहिए. चलिए अपने अपने साइड से मन में रीड करेंगे. शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं. आई रिपीट अगेन. शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं. क्या ये राइट है? यस यस मैम. मैम राइट है. वेरी गुड. बिल्कुल आप राइट का मार्क करिए.
राइट का मार्क करिए, देखिए चैप्टर अगर क्लियर है तो आपको सब आता होगा। ओके नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके क्वेश्चन नंबर टू, कोई टर्न करिए पेज, डोंट रीड, डोंट रीड, मैम रीड करेंगी, कोई भी बच्चा रीड नहीं करेगा बेटा, मैम के पास रीड करिए, फर्स्ट मैं रीड करूंगी फिर आप रीड करिए। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, लिसन, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, क्या ये ठीक बात है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये गलत है, क्रॉस का निशान लगाइए, क्रॉस का निशान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा अनम्यूट मत करिए, बहुत शोर आता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, लिसन आई रिपीट अगेन दिस लाइन, आप अपनी बुक से रीडिंग करिएगा, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं, क्या ये बात ठीक है? वेरी गुड, इट्स रॉन्ग, चलिए रॉन्ग यानी क्रॉस का मार्क करिए, मार्क करिए क्रॉस का। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, अगर शब्द सही हैं और उनका राइट मेल सही है, वेरी गुड, या सही है एमी, राइट, वेरी गुड एमी, साथी सारे बच्चे चैट बॉक्स के थ्रू मुझे आंसरिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेल डन कलर्स जैन, यू आल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो बच्चों आप, इसी तरह आप अपने वर्क को कंप्लीट रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर घा पे जाएंगे, लेकिन ये मैं बच्चों से वन बाय वन करके पूछूंगी। चलिए सब बच्चे अपनी बुक पर जाइए, क्वेश्चन नंबर बेटा घा है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, यानी उल्टे पुल्टे लिखे इनको अरेंज करना है, ठीक है? लेकिन मैम जिसका नेम बोलेंगी उसके अलावा कोई बच्चा नहीं बोलेगा। श्रुति आप अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। श्रुति नहीं बेटा, श्रेयांश वेट, पहले श्रुति को बोलने दो। श्रुति आई एम वेटिंग, मैम श्रुति रीड द क्वेश्चन नंबर वन। चलो लक्ष्य, श्रुति इतना टाइम नहीं लगता बेटा, फटाफट अलर्ट रहा करो, आपका टर्न के लिए मैंने कितने टाइम से आपको बोला, फटाफट रीड करिए अपनी बुक से। ओके चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर वन, घोड़ा है यस, घोड़ा है दौड़ता, क्या ये कर, हाँ तो ये करेक्ट फॉर्मेशन में नहीं, इसको ठीक करके बताइए कैसे लिखेंगे हम, घोड़ा तेज दौड़ता है, यस घोड़ा तेज दौड़ता है, बट पापा ने बताया है पीछे से श्रुति, कोई नहीं बताएगा आपको, हेल्प नहीं लेनी किसी की, अपने आप वर्क करो बच्चे, जब आप कोशिश करोगे तो आपको आएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र नाम का मेरा है लक्ष्य, श्रेयांश यू टेल, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन को अपनी बुक से रीड करेंगे सब बच्चे। मित्र नाम का मेरा है लक्ष्य, मेरे मित्र का नाम लक्ष्य है, मेरे मित्र का नाम लक्ष्य है। ओके वेल जन, मेरे मित्र का नाम लक्ष्य है, वेरी गुड। ओके माइक अनम्यूट कर दीजिए, नाउ इट्स टर्न टू सामर्थ, आर यू हियर, यस या नो, सामर्थ आप यहाँ पर है ना, अपना माइक अनम्यूट करो सामर्थ, रितिका कुमारी आपका टर्न है, चलिए आप अपना माइक अनम्यूट करिए, वेट कलर इसके बाद आपका टर्न, रितिका
घर में एक कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपनी बुक से रीड करिए। मेरे एक घर में है कुत्ता, तो इसको कैसे लिखेंगे? मेरे घर में एक कुत्ता है। वेल डन, वेरी गुड। यस, माइक को म्यूट करिए। कलश, इट्स योर टर्न। अब आप बताएं कलश, और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबका टर्न आएगा। ओके कलश? यस मैम। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर फोर। सभी छात्र खेल मैदान में खेल रहे। सभी छात्र मैदान में खेल रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। नाउ क्लैप फॉर कलश। सभी बच्चे कलश के लिए क्लैप करिए। वेरी गुड। ओके नाउ नेक्स्ट टर्न सामर्थ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो रिप्लाई करें प्लीज। आप आंसरिंग नहीं करते हैं बेटा, दैट्स व्हाई आई कॉल यू अगेन एंड अगेन। यस मैम। ओके सामर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप रीड करिए बुक से। आपके पास बुक आ गई है ना बच्चे? चलिए रीड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यस मैम, कौन सा नंबर है? नंबर फिफ्थ। आप कहाँ हो बेटा? 1-4 तो बच्चे रीड कर रहे थे, आपने उनका सुना नहीं? पेज नंबर 20। ऐसा कोई नहीं करेगा कि कोई बच्चा रीड कर रहा है तो दूसरा बच्चा उस पर ध्यान नहीं देगा, सबको सुनना है। और ये चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, घा का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलाता। अब इसे करेक्ट करिए, ये इनकरेक्ट वर्ड लिखा है, आप इसे करेक्ट करो। भूपेन सामर, नेक्स्ट है। कैन यू रिपीट अगेन? किसान हल चलाता है। वेरी गुड। अभी आप नेक्स्ट टाइम बुक पे ध्यान दीजिएगा, आपको पेज नंबर ही नहीं पता था बेटा, इट्स वेरी बैड। चलिए नेक्स्ट भूपेन, क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करिए। स्पीक लाउडली, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलिए आप। मछुआरा मछली पकड़। मछलियों। रॉन्ग बेटा, मछुआरा। चलिए बताइए मुझे कौन बताएगा इसका आंसर और किसको पता है? भूपेंद्र आप ध्यान से सुनेंगे, साची यू टेल। पकड़ रहा है। ये तो लिखा ही नहीं है, पकड़ रहा है वर्ड तो है ही नहीं इसमें। रीड क्वेश्चन केयरफुली, आपके पास बुक नहीं है? मछुआरा मछली तालाब में पकड़। नो बताए। यस साची यू टेल। साची माइक तो अनम्यूट करो। मैम मछुआरा तालाब में मछली पकड़ता है। मछुआरा तालाब में मछलियों को पकड़। यहाँ को वर्ड नहीं है, यहाँ पर को वर्ड नहीं है। मछुआरा मछलियों में मछलियाँ पकड़ता है। मछुआरा मछली को तालाब में पकड़ता है। लिसन लिसन कलश यू टेल।
ओके ओके नाउ वेट वन बाय वन सारे खाते बोलो वेट 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 कलश यू टेल यस कलश यू टेल यस कलश मैम कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स मछलियों में मछलियों है मछुआरा मैं तालाब पकड़ता इसे सही करके लिखिए मछुआरा मछलियों तालाब में मछुआरा तालाब में मछुआरा पकड़ता है यस यहाँ को वर्ड यूज नहीं किया है लेकिन आप लगा सकते मछलियाँ पकड़ रहा है वर्ड नहीं है इसमें ओके नाउ लिसन अभी कोई नहीं बोलेगा मैम जिसको टर्न करेंगी वो बोलेगा ओके नाउ नेक्स्ट बर्तन है कुम्हार बनाता चलिए इसका नव्या आंसर देगी नव्या ने अभी एक भी आंसर नहीं दिया है नव्या यू टेल क्वेश्चन नंबर सेवन आप अपनी बुक में से रीड करिए बर्तन है कुम्हार बनाता पहले माइक को अनम्यूट करो नव्या बर्तन कुम्हार बनाता है बेटा जिसका टर्न हो उसको बोलना चाहिए ना अब आपने नव्या के टर्न पे बोल दिया चलिए नेक्स्ट नव्या आप बताइए है रहा धोबी कपड़े धो धोबी मैम धोबी कपड़े धो रहा है यस यस ये राइट है धोबी कपड़े धो रहा है दिस इज द राइट आंसर ओके बच्चों इट मींस आपका यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया है हो गया सबका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर घर तक मैंने सबको एक्सरसाइजेस करवा दी है नाउ लिसन आपको ये पूरी फिल यहाँ तक करनी है क्वेश्चन नंबर घर तक सब बच्चे कंप्लीट करके रखेंगे बिकॉज आई थिंक सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है बातें चलिए अभी आपको हम एक न्यू चैप्टर थोड़ा सा रीड कराएंगे बच्चों टर्न द पेज नंबर 22 चैप्टर नंबर 4 चलिए सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करिए ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 4 संज्ञा नव्या माइक अनम्यूट करके बोलो आपको जो बोलना है मैम हमने निकाल लिया वेरी गुड सबने निकाल लिया शो मी योर थंब मैं सबका थंब शो देखना चाह रही हूँ आप प्लीज अपना थंब शो करें शो मी योर थंब चैप्टर नंबर 4 संज्ञा संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं देखिए आपकी बुक में संज्ञा में सबसे नीचे लिखा हुआ है नाउन देखिए रीड करिए आपको ये भी पता होना चाहिए ना संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं नाउन देखिए लिखा है आराध्या सिंह फोकस ऑन योर स्टडी सिट प्रॉपरली संज्ञा को नाउन भी कहते हैं संज्ञा क्या है पहले संज्ञा क्या है वो समझिए ओके चलिए लिसन साची सिट प्रॉपरली संज्ञा क्या है ओके श्रेयांश यू टेल बताओ आप मुझे संज्ञा क्या है बोलो बेटा नाउन तो है आप किसी को संज्ञा की परिभाषा पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा नहीं पता चलो आई टेल मैं बता रही हूँ आपको संज्ञा क्या है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी नहीं वेट फर्स्ट आई टेल आफ्टर दैट यू पहले मैं बता रही हूँ आफ्टर दैट ओके वेट ओ जस्ट फ्यू मिनट वेट संज्ञा किसी व्यक्ति को कहते हैं व्यक्ति मीन्स हम और आप ह्यूमन बीइंग हम सारे के सारे व्यक्ति हैं ओके तो संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति को वस्तु मतलब क्या हो गया सामान कैसे वस्तु जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नोटबुक है
ठीक है, आपके पास पेंसिल है, ये सारी की सारी क्या है, वस्तुएं हैं। स्थान यानी प्लेस, स्थान जहां हम रहते हैं, यस दिस इज अ वस्तु, साची शो मी वस्तु, ओके वेरी गुड, ओके स्थान, स्थान मतलब प्लेस, फॉर एग्जाम्पल आप आगरा में रहते हैं, आप स्कूल जाते हैं, गार्डन पार्क, ये सारे के सारे स्थान होते हैं, ओके प्राणी, प्राणी में गाय आ गई बेटा, शेर, एनिमल्स को कह सकते हैं आप, ओके वस्तुओं को तो आपको क्लियर है कि वस्तु किसे कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ओजस, वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल ओजस ने भी मुझे पेंसिल बॉक्स शो किया, वेरी गुड, ओके नाउ मेन द मेन पॉइंट इज संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को, आदि मीन्स व्हाट आदि, अच्छा ओके वेट 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 आई टेल यू वेट वेट बेटा वेट, व्यक्ति हम आप और बहुत सारे इंसान जितने आपको देखते हैं सब व्यक्तित्व हैं, वस्तु समान, स्थान जगह, प्राणी एनिमल्स आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अभी आपसे वन बाय वन करके मैं व्यक्तियों के नाम पूछूंगी, बट मैं ये नहीं बताऊंगी व्यक्ति कौन होते हैं क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ओके नाउ आराध्या सिंह, आप बहुत बोर हो रही हो आई थिंक, चलो आराध्या टेल, आराध्या सिंह अनम्यूट करो अपने माइक को, यस आराध्या आई एम विथ, यस आराध्या दो मैम, ओके आराध्या नाउ टेल मी दो व्यक्तियों के नाम बताओ, ओनली आराध्या, यस टेल, किन्हीं भी दो व्यक्ति, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपने माइक को थोड़ा सा ठीक कर लो आ जाएगी, ठीक है साक्षी वेट, दो व्यक्तियों के नाम बताइए, आराध्या दो व्यक्तियों के नाम बताओ बेटा, माइक अनम्यूट करके बताओ बेटा, पेंटिंग प्लंबर, पेंटर एंड प्लम्बर आपने बोला, ये राइट आंसर है, मगर और भी बहुत सारे नेम होते हैं, नेम के अकॉर्डिंग मुझे बताओ जिसे हम नेम से पहचाने, श्रुति सिट प्रॉपरली, इट्स योर क्लास, श्रुति सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठिए, यस रितिका यू टेल दो व्यक्ति, रितिका आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैम डॉक्टर, ओके डॉक्टर, देन और नव्या यू टेल, डॉक्टर और नर्स, मैम नेहा, नेहा और आराध्या झा, मैम नानी दादी जी, नाना जी, मौसी, नाना जी, जी नानी जी, मौसी जी, पापा जी, मम्मी जी, आराध्या, इट्स योर टर्न, आराध्या आप मुझे बताएं दो व्यक्तियों के नाम, वीर वीरा, सारे बच्चे अगर इसी तरह आप सारे बच्चे बोलते रहोगे ना मैं क्या करूंगी, चैप्टर पूछूंगी बस, और फिर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, गांधी, इंदिरा गांधी राइट आंसर, और यस बोल टैगोर, यस वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर इंदिरा गांधी व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। नाउ इट्स टर्न टू कलश जैन, खाली कलश को बोला है तो कलश ही अपना माइक अनम्यूट करेगा, नाउ कलश यू टेल, पशु पक्षियों के नाम बताइए, एनी टू,
यस मैम बिल्ली यस बिल्ली और क्या बोला आपने चिड़िया ओके चिड़िया ओके ओके शेर गुड ओके नाउ नेक्स्ट टर्न इज प्रियांश कुमार सिंह प्रियांश इट्स योर टर्न दो वस्तुओं के नाम बताइए अगर आपको ये समझ में आता है कि संज्ञा में क्या क्या आता है तो दो वस्तुओं के नाम बताएं मैम अलमारी और कार वेरी गुड अलमारी एंड कार लेकिन बुक के अलावा भी आप बता सकते हैं ठीक है बेटा आप बुक से हटकर भी कुछ भी बता सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट टर्न इज जिस बच्चे से आंसर पूछू वो ये बच्चा कार्तिक 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 बेटा दो स्थानों के नाम बताएं किन्हीं भी दो स्थानों के नाम बताएं मैम पार्क एंड विद्यालय हाँ वेरी गुड पार्क एंड विद्यालय ठीक है एमी इट्स योर टर्न आप दो दिनों के नाम बता दें कि नहीं कुछ दो दिनों के नाम आपको दिन पता है ना नहीं बोल सकता था बाकी कोई बच्चा नहीं बोलेगा एमी यू दिनों के नाम दिनों बगल में करो बगल में करो बगल में करो बगल में कोई बात नहीं है एमी दिन कौन से होते हैं सोमवार मंगलवार मैंने टू नेम बताया मेरे वाले कॉपी मत करिए और दूसरे बताइए हिंदी में बताना हम बताएं आपको चलो बताओ साची हम बताएं मंगलवार सोमवार साची आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं हुई बेटा मैम हम बताएं मैंने दिनों के नाम पूछे हैं मैम बुधवार शुक्रवार किसने बताया नेम मैम अर्पिता अर्पिता शुक्रवार शुक्रवार क्या बोलते हैं शुक्रवार नहीं शुक्रवार क्या बोलते हैं शुक्रवार यस शुक्रवार नहीं बोलते ठीक अच्छा चलिए वेरी गुड कितने बच्चों को नदियों के नाम पता है रेज योर हैंड कितने बच्चों को नदियों के नाम पता है रेज योर हैंड किसी को नदियों के नाम यस गंगा मैम गंगा यमुना मैम नर्मदा मैम गंगा यमुना मैम जमुना मैम गंगा चलिए ओजस ओजस आपको मेरी आवाज आ रही है ओजस ओजस नाउ यू टेल आपको क्या पहाड़ों के नाम पता है एक भी पहाड़ का नाम पता है क्या यस मैम नाउ टेल हिमालय वेरी गुड हिमालय वेरी गुड ओके सामर्थ आपको मेरी आवाज आ रही है सामर्थ अगर आवाज आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझे आंसर देंगे आप ओके सामर्थ इमारत आप कभी घूमने गए हो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं फॉर एग्जांपल ताजमहल अब ताजमहल मत बोलना ताजमहल मैम ने बोल दिया तो ताजमहल मत यूज करना इमारत का मीनिंग समझाने के लिए मैंने ताजमहल वर्ड यूज किया था ओके विद्यालय नो अच्छा चलो इमारत में हाँ लेकिन मैं आपसे वो इमारत पूछ रही हूँ अरे वेरी गुड या दिस इज राइट आंसर लाल किला एंड हवा महल वेरी वेरी गुड हवा महल लाल किला वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर नाउ वेट इट्स टर्न टू सामर्थ अब सामर्थ के अलावा कोई नहीं बोलेगा नो इट्स वेरी बैड सामर्थ ने मुझे एक भी आंसर नहीं दिया सामर्थ इट्स योर टर्न आप मुझे बोलो वन आप कोई एक इमारत बोलो बच्चों ने बहुत सारी बोली अब आपको आइडिया तो लग गया ना नाउ यू टेल कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है कलश जू कोई इमारत नहीं है जू कोई इमारत नहीं है कलश आप सुनिए
आपका ये पीरियड भी ओवर होने वाला है। अभी आपको आज मैम वर्क देंगी, वो वर्क वेट अ फ्यू मिनट, कैन आई एक्सप्लेन मैम? पहले मैम बोलने बेटा, फिर आप बोलना, बीच में मैम को डिस्टर्ब नहीं करो। आपको मैथ्स में प्लेसमेंट कराई थी और हिंदी में आज एक्सरसाइज जितनी भी मैम ने फिल कराई है, जिन बच्चों ने नहीं फिल करी है वो आज कंप्लीट कर ली। क ख ग घ एक्सरसाइज क ख ग घ अभी मैंने अभी ऑनलाइन आपको फिल करवा दी है।